हे गाइस, वेलकम बैक टू प्रेम कार व्लॉग्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं लैंड रोवर की डिफेंडर, जो कि है बहुत बेहतरीन लुक, वाइट कलर में हमारे साथ। तो बने रहिए हमारे साथ और जब तक इसका सिनेमैटिक व्यू एंजॉय करिए। फुल डिटेल में हम इसके साथ पूरा हम देंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करें भाइयों, और ऐसी वीडियो हमारे साथ आती रहेंगी मॉडिफाइड लग्जरी कार। तो बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं सिनेमैटिक व्यू के साथ। एंजॉय। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए लैंड रोवर की डिफेंडर, जो कि आज इसका हम फुल रिव्यू करने वाले हैं। चलो भाइयों, अब स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, गाड़ी के बारे में अब डिटेल के साथ मिलते बात कर लें। अब इसकी फ्रंट लाइट के बारे में, हेड लाइट्स के बारे में तो दिखाते हैं। इसकी लाइट्स दिखाते हैं। ये देखिए लाइट्स, देखिए भाइयों क्या बेहतरीन लुक दे रही है ये। और इसमें आगे मिल जाती है हमें प्रोजेक्टर लाइट, और ये साइड में DRL जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक दे रही है, खतरनाक लुक जो कि डिफेंडर को बोलते हैं ना, ये है इसकी लाइटें। अब हम इसकी लाइट की फॉग लाइट दिखाएंगे, LED फॉग लाइट्स। तो LED फॉग लाइट्स अभी हम स्टार्ट करके दिखाते हैं। LED फॉग लाइट्स ऐसे जलती हैं, जो कि छोटी सी दे रखी है उसके नीचे ही, ग्रिल में ही दे रखी, नीचे बम्पर में LED फॉग लाइट, जो कि बहुत ही बेहतरीन लुक है। इंडिकेटर्स भी देख सकते हैं हमें इसमें, LED फॉग लाइट की जैसे इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। और DRL उसके साइड साइड में दे रखे हैं, और हम इसके एग्जॉस्ट भाइयों लुक बताइए, लुक कैसा लग रहा है इस गाड़ी का। एकदम बिग बुल जो गाड़ी होती है ना, वो ये है बिग बुल, देख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन और खतरनाक लुक जो इस गाड़ी को बोलते हैं ना, वो ये है, क्योंकि अज्जू भाई ने इस वजह से ले रखी, सारे सस्पेंशन वगैरह सब कुछ इसमें दे रखे हैं, बहुत ही बेहतरीन लुक। और अब हम इसके टायर की साइज़ की बात करें, तो टायर साइज़ हमें मिल जाता है 255/60 R20, जो कि बहुत ही लुक है इसका तगड़ा टायर का। एक बार आपको इसका बैक लुक दिखा देते हैं। इसकी लाइट लाइट में यहाँ से गैप है, और ये DRL टैग दे रखा है यहाँ पे, एल्यूमिनियम DRL टैग देख सकते हैं। ये छोटी छोटी लाइट भी हुई है, यहाँ पे रखा है लोगो। अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर का जैसे हम डोर खोलते हैं, डोर खोलते ही हमें यहाँ पे सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि हमें एक लेदर फिनिशिंग मिल जाती है प्रॉपर तरीके से, डोर में ही लेदर फिनिशिंग मिल जाती है। और अभी इसका इंटीरियर लुक देख सकते हैं, यहाँ पर हमें सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे मिरर डाउन के कंट्रोल्स, जो कि चारों गेटों के हम कंट्रोल यहाँ से कर सकते हैं। और इसका मिरर भी काफ़ी, साइड मिरर भी काफ़ी बड़ा है, और हमें ये इसमें यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये अनलॉक अनलॉक, ये स्पीकर दे रखे हैं, दो स्पीकर्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। और ये इस करें इसके सीट एडजस्ट के लिए, और ये यहाँ से सीट एडजस्ट हो जाता है, ये देख सकते हैं।
ये वैसे ऊपर उठ रहा है, ये वैसे ऊपर ऊपर उठ रहा है, ये ठीक एडजस्टेबल है। नीचे नीचे करना है तो नीचे कर सकते हैं इधर से, और इधर से ही कंट्रोल हो जाता है पूरा। ये देखिए यहाँ से पूरा कंट्रोल हो रहा है। बात करें इसके यहाँ से घुसने के लिए, यहाँ पर पैर रख के सकते हैं, मेरे डिफेंडर का यहाँ पर पूरा भी अच्छा है लिखा हुआ है, यहाँ पर वेलकम वेलकम डिफेंडर का भी रखा है। बात करें इसके इंटीरियर के, इंटीरियर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिफेंडर का दे रखा है लिखा हुआ लोगो, और यहाँ पे एयरबैग दे रखा है, एक यहाँ पे एयरबैग है, हॉर्न है, और यहाँ पे सारे कंट्रोल हैं, क्रूज़ कंट्रोल भी है, वॉल्यूम अप डाउन क्रूज़ कंट्रोल, और यहाँ से भी कॉल अप डाउन का वॉल्यूम अप डाउन, यहाँ से लाइट लाइट चेक कर सकते हैं, लाइट कितनी प्यारी लग रही है सामने, इतनी रोशनी भाई साहब। ये इसका हिस्ट्री स्पीडोमीटर है, इसका स्पीडोमीटर चेक कर सकते हैं कितना डिजिटल दे रखा है, इसमें पीछे दिखा रहा है पीछे की जो हवा हवा प्रेशर प्रेशर भी दिखा रहा है, टायर प्रेशर भी दिखा रहा है पीछे पूरा देख सकते हैं। और इसका एक कंट्रोल अप डाउन के लिए है कंट्रोल स्पीडोमीटर, ठीक है। और बात करें इसके डिस्प्ले साइड की, ये देख लेते हैं, ये पूरा टच स्क्रीन है, यहाँ से कनेक्ट हो सकता है, ये सारी डिटेल इसमें दे रखा है। ये नेविगेशन है, नेविगेशन देख सकते हैं कितना कितना डिजिटल है जो भी है। बात करें इसके डिस्प्ले की, डिस्प्ले देख सकते हैं इसमें सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, नेविगेशन अकाउंट, सीट एडजस्टेबल, क्लाइमेट चेंज, कैमराज, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले, एलर्ट मोड, इको डाटा, 4x4 यहाँ से ही लगा सकते हैं, लो लो ट्रैक्शन कर सकते हैं, मतलब डाउन हो जाएगी पूरी गाड़ी, उसमें वीडियो में आपको दिखा देंगे। सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं इसमें, डायमेंशंस भी दे रखे हैं, फोन मीडिया सारे कंट्रोल्स हैं इसमें। और बात करें इसकी एसी की, ये ऑटो ऑटो एसी भी है, मैनुअल भी कर सकते हैं इसे, ऑटो भी है, यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल टाइप दे रखा है यहाँ पर भी, और यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं इसका। और ये ऑटोमेटिक गियर है पार्किंग के लिए, डाउन अप डाउन, और यहाँ से स्टार्टिंग इसकी बटन है। बात करें इसकी स्पेस की, स्पेस देखिए यहाँ पे स्पेस कितना दे रखा है यहाँ पर रखने के लिए, और यहाँ पे दो स्लॉट दे रखे हैं, एक टाइप सी दे रखा है आईफोन के लिए और एक यूएसबी। और बात करें इसके यहाँ पर यह ग्लास होल्डर का दे रखा है यहाँ पर। बात करें आर्मरेस्ट की, आर्मरेस्ट देख सकते हैं, आर्मरेस्ट खोलेंगे इसको यहाँ से और ये एडजस्ट हो जाएगी ऐसे करके, आर्मरेस्ट खोलते ही आर्मरेस्ट में स्पेस देख सकते हैं कितना है, और यहाँ से भी क्लाइमेट चेंज, ए सी है क्लाइमेट चेंज रहता है इसमें। और इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, बंद करने के बाद हम एक बार यहाँ का लुक दिखा देते हैं, यहाँ पर भी डिफेंडर इसमें लिखा हुआ है देख सकते हैं, और यहाँ पर इसका ड्रॉ दे रखा है, यहाँ पर भी इसमें लॉक है, ड्रॉ भी काफ़ी स्पेस है इसमें। अब बात करें इसकी, यहाँ पर भी ए सी दे रखे हैं, और यहाँ पे सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं, ये देख सकते हैं आप, ठीक है भाई साहब। इसमें बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे, डिफेंडर में कहें तो एक बार बहुत तगड़ा मज़ा आ रहा है, बैठ के ऐसा एकदम रिलैक्स हो रहा है, मन कर रहा है यहीं पर सो जाऊँ मैं बहुत तगड़ा रिलैक्स फील हो रहा है डिफेंडर में। अर्जी भाई ने बोला था जब ये डिफेंडर अर्जी भाई ने रख रखी है और इतना फेमस कर लिया उसको डिफेंडर को, जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा फील हो रहा है मुझे बैठ के यहाँ पे, तगड़ा ही फील आ रहा है भाई साहब। मैं यहाँ पे 3-4 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और यहाँ पे पीछे भी स्पेस है। और पीछे की हम बात करें, एक यहाँ पे सबसे महंगी चीज़ है वहाँ पे टायर प्रेशर के लिए, टायर प्रेशर वहाँ से हम कर सकते हैं कंट्रोल सारे, वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते थोड़ा, वहाँ पे प्रेशर है, ये हम वहाँ पर एरो कर देंगे, वो 80,000 रुपये का है, 80,000 रुपये का है। और यहाँ से हम आपको दिखाएं, यहाँ पे भी एक लाइट दे रखी है, यहाँ पे भी एक लाइट दे रखी है, और ये इसका सनरूफ है, काफ़ी बड़ा सनरूफ है इसका, सनरूफ देख सकते हैं, सारे कंट्रोल्स इसमें दे रखे हैं जो कि सारी गाड़ियों में होते ही नहीं है लगभग, और डिफेंडर में सारी चीज़ें दे रखे हैं, टायर प्रेशर, सस्पेंशन दे रखे हैं, सस्पेंशन हो जाता है सारा, अप डाउन नीचे हो जाता है, लो सस्पेंशन, ट्रैक्शन कंट्रोल सारे सब कुछ दे रखे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, साइड मिरर कितना बड़ा है इसका, पूरी बुल टाइप लगती है,
थैंक यू गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारे लिए और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ऐसी रेयर कार आने वाली है हमारे लिए, आपके लिए भी बहुत तगड़ी रेयर कार आने वाली है। तो चेक करें, सब्सक्राइब करें बैक टू द चैनल प्रेम कार ब्लॉग्स। तो थैंक यू गाइज पूरी वीडियो देखने के लिए, पूरा रिव्यू दें आप अच्छा सा, और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और स्पेशल वीडियोस आने वाली हैं आपके लिए बहुत सारी। डे टू डे हर दो दिन बाद आप वीडियो अपलोड होने वाली हैं, हर दो दिन बाद अपलोड होंगी वीडियो। नई नई अमेजिंग गाड़ी आएंगी, लग्जरी स्पोर्ट्स मॉडिफाइड सारी आएंगी, चेक करते रहिए। कीप सपोर्ट भाइयों, थैंक यू भाई।